छोकरो जंगल में गांडो थई गयो छे। ये रास्ता भूल गया इस जंगल में। बताओ, एक रास्ता वहाँ को जाता है, एक रास्ता वहाँ से जाता है, और एक रास्ता ये जा रहा है। लेकिन हम आए थे तब इधर से ही चढ़े थे ना, कुछ ऊपर जैसे चढ़े थे, फिर ये कंटिन्यू हुआ था। मजाक कर रहा है ना तू? नहीं, सही में मजाक क्यों करूंगा भाई। तो इतने बार तो वॉक के लिए आए थे, पता नहीं कहाँ से जाना है। नहीं, मैं रास्ते से जाता था ना, इससे नहीं आता था ना। अच्छा, तो मुझे क्यों लेके आए? क्योंकि वो क्या होता है, हेवी ड्राइवर अगर हमारे साथ होता है ना तो मजा आता है, एक्सपेरिमेंट तो मिलता है कुछ नई नई चीजों का। सही बात है। अब पूछोगे तुम तमें कहाँ जाओ छू, फिर वो बताएगा भाई रास्ता क्यों छे। ऐसे ही रास्तो तो यार सारो छे। सही बोला मैंने गुजराती? मैंने सुना नहीं ठीक से। रास्ता क्यों छे? क्यों नहीं, कहाँ रास्तो केवो छे? रास्तो को केवो केवो छे? रास्तो केवो छे? सारो छे भाई। सारो छे मतलब अच्छा है। हाँ। सारो रास्तो केवो छे? अरे सब्जेक्ट आगे लगा दिया ऑब्जेक्ट पीछे लगा दिया। रास्तो केवो छे? हाँ, यानी कि रास्ता कैसा है? रास्तो तो मैं बोल रहा हूँ, रास्तो सारो छे हमारा मित्र। सारो छे मित्र बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? दोस्त को मित्र बोलते हैं। तो तुम ऐसे बोलते हो, और मित्र कहाँ गए थे ऐसे? मतलब ऐसा तो नहीं बोलता स्कूल में। यार भाई क्या हालचाल। मित्र नहीं बोलते? नहीं, मित्र बस ऐसे बोलते, अरे यार मैं सोच रहा हूँ। यार बोलते ज्यादा, यार बोलते, मित्र नहीं बोलते। खो भाई, आपको मैं भूलभुलैया जैसा घुमाया तो नहीं ना? हाँ, भले ही मैं रास्ता भूल गया। वो मिल गया रास्ता, तुमने ढूंढा नहीं है। मिल गया रास्ता, मिल गया, अभी कंटिन्यूस। वाह, छोकरो जंगल में गांडो थई गयो छे अने खोवाई गयो छे। हाँ हाँ, समझे। एक लाइन लेने के लिए कितने टेक लिए हैं? देखो, छोकरो जंगल में गांडो थई गयो छे अने खोवाई गयो छे। ऊपर फोटो पाड़ी नथी। तमे पाड़वानी वात करी? हां, मैं राह जोया करतो तो के आ भाई के छे के नहीं। तो हाँ भाई, तो बस ये नहीं है वो नहीं है। अरे बंदा लेके आया तो उसकी कोई फोटो मीटो तो खिंचाओ। हाँ, नहीं कल क्या हुआ, कोई मिलने आया था शाम को, फॉलोवर ही था, तो मैंने उसके साथ फोटो, मतलब उसने मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाई, वो बात किया अच्छे से, 10-15 मिनट 20 मिनट रुका, और कुछ सवाल थे उसके, पता नहीं क्या, तो वो उसने पूछे और वो निकल गया। सवाल काफ़ी सही थे लेकिन जो भी थे, ठीक है, तो सवाल पूछ के वो निकल गया, तो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, 5 मिनट हाय हेलो करते हैं और चले जाते हैं। बट कई बार जब ऐसे लोग आते हैं जो बैठते हैं, आपसे एज अ पर्सन मिलना चाहते हैं, आपसे एज अ पर्सन बात करना चाहते हैं, वो जो फीलिंग है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बस कोई आए और फ़ोटो खींच के बस चला जाए। क्या है ये, गिरवाएगा ये? मुझे लगा ज़बरदस्ती ऐसे रास्तों पर ला रहा है कि अब बस फूटने वाला है, कुछ होने वाला है। तू चल रहे हैं आगे, गांड हो गई मुझे। ये कोई आदमी, अब मैं समझ गया क्यों नहीं गया वहाँ पे। हो गया एडिट ना ब्लॉग? आधा हो गया। आधा कैसे हो गया, पूरा होना चाहिए। 15 मिनट का हो गया है। 15 मिनट का ही किया बस, 5 मिनट का बाकी है। और कोई स्कूल के लिए रेडी हो गया है? कहाँ जाओ इच्छे? कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस बताओ? बढ़िया बढ़िया, मजा है। मतलब वॉक करने के लिए ठीक है, घूमने के लिए कुछ है नहीं वहाँ पे। बोर रहा था, सुनते कहाँ पे हो मैं। पर वॉक करने के लिए ठीक है, मॉर्निंग वॉक टाइप का हो गया, मजेदार है। खीरा पता क्या है? खीरा तेरे भाई को तो नहीं पता, खाने का है वो पता है मुझे। हाँ ठीक है, व्हाइट व्हाइट आता है वो भी पता है थोड़ा बहुत। अंदर से कि बाहर से व्हाइट? फ्रूट है, वेजिटेबल है, क्या है या कोई डिश है? डिश है लग रहा है मुझे, डिश है। खीरा? पता नहीं यार, क्योंकि हमने खाया नहीं है। खीरा कभी खाया नहीं तुमने? खीरा मतलब अभी कुकुम्बर, ये क्या था? क्यूकम्बर नहीं पता कैसा होगा, सोचो। खीरा, खीरा मतलब किस चीज का? बहुत टाइप के खीरे आते हैं भाई, जैसे कि कोई एक टाइप बताओ। नॉनवेज में एक आता है खीरा। हाँ क्या होता है उसमें? नहीं, खीरा नहीं बोलते उसको, कीमा बोलते हैं। कीमा बोलते हैं? कीमा।
हाँ खीरा मतलब कि कुछ आता है इतना यूपीएससी में तो नहीं आने वाला नहीं ये सवाल नहीं आने वाला खीरा खीरा या एक सलाद में एक चीज खाते हो प्याज टमाटर और तीसरा क्या खाते हो अरे ककड़ी के साथ ककड़ी जैसे ककड़ी हरी रंग की होती है बाहर छिलका होता है अंदर कैसा होता है वाइट आता है खीरा पता है आपको हाँ क्या होता है खीरा खीरा हाँ मुशीरा समझ खीरा क्या होता है खीरा ये कुछ भी बनाते ना अभी वो दिखाओ सलाद में क्या खाते हो किसको ककड़ी बोलते ककड़ी दिखाओ हाँ ये ककड़ी नहीं है ककड़ी अलग होती है ककड़ी है ककड़ी अलग होती है काट के बताता हूँ अरे काट के मुझे पता है खीरा उधर मिलता है ना हाँ उधर दिल्ली के साइड मिलता है हाँ इसे खीरा कहते हैं ककड़ी अलग होती है ये ककड़ी है यार ये ककड़ी नहीं है ये खीरा है ककड़ी कुछ खीरा अलग ककड़ी अलग होती है ककड़ी बोला ना आपको लेकिन ककड़ी अलग होती है ककड़ी अलग होती है तो ये खीरा है जो भी सुन करते हैं लोग और ककड़ी अलग होती है ककड़ी की फोटो सलाद में खीरा खाना उसको बोला किले पे तो बोला खीरा क्या होता है मैं खीरा खीरा कुकुम्बर करा कुकुम्बर क्या होता है वो तो नहीं खाया आज तक कुकुम्बर खीरा का ही बोलते हैं ना हाँ फुल मोटिवेट कर दिया है इसे कहते मोटिवेशन आपने सुबह का व्लॉग देखा होगा जो जलेबी फाफड़ा करने आए थे वो अब ये खा रहे हैं मेरे को आज की ये भी टेस्टी होता है यार ये भी खाने लायक चीज होती है अभी आज पता चल रही है इतनी टेस्टी लग रही है ये खा सकते आराम से फुल मोटिवेट कर दिया है अभी खाएगा दो दिन फिर जलेबी फाफड़ा पे आएगा तो भाई साहब शाम की ट्रेन है पैक कर रहे हैं अब देख रहे हैं कि शाम को मम्मी ने कहा था सूरत से साड़ियाँ वगैरह लाने को पर अभी पता नहीं है मतलब अभी कुछ ऐसा बन नहीं रहा है प्लान कि सूरत में रुकेंगे या जल्दी जाएंगे या क्या क्योंकि इतना सारा बैग लेके सूरत में कैसे घूमेंगे वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट चल देखते हैं क्या करेंगे वो दादी और सारिका और घर रहने वाले के लिए किस चीज के लड्डू है गेहूं के आटे के इसमें तुमने क्या मिलाया था गुड़ हमने शक्कर मिलाई अच्छा खांड बोलते खांड गुजराती खांड और ये अचार ये मीठा अचार और ये किस चीज का आम का अचार अच्छा ये वो आप बोलने नहीं थे हम छुल्ला करके बनाए थे वो हाँ वो वैसा टाइप के एक आम लेके उसको किस इससे छिनाए अच्छा ये किस बने के आम को इस पे छीन लिया है ऐसा छीन हाँ एक खट्टा हरी मीठा के लिए ये भी पसंद है मुझे पसंद तो सभी आ रही है ना नहीं नहीं ऐसा नहीं है सभी आ रही है अभी कपड़े में पता नहीं चल रहा और फोटो में अच्छा लग रहा है इसका जो फोटो था उसका अच्छा लग रहा है इसी नहीं बताया मैं कि खोल के दिखा दूंगा आपको ऐसा कुछ नहीं है सर हाँ देख रहे नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी घर में उसके लिए अच्छी लाइन मिल रही नहीं लाइन बात देखो सोच समझ के चलना पड़ता है तो सोमगढ़ में इन्हीं से मैंने साड़ी ली है अब अच्छा हुआ बुरा हुआ इनके ऊपर है तो इसलिए मैं इन्हें भी ब्लॉग में ले रहा हूँ सो यहाँ पे चादर थी एमरजेंसी के लिए रखी थी तो यहाँ पे साड़ियाँ रख ली हमने अपनी मम्मी के लिए सबके लिए अब इसको पैक कर लेते हैं और फटाफट निकलते हैं तो अभी सारे 5 बजने का वेट कर रहे हैं ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और 5 बजते ही हम निकल जाएंगे मतलब बच चुके हैं 5 वी आर ऑलमोस्ट रेडी सामान वामान सब रेडी हो चुका है और गुजरात से निकलना है आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस हाउस ठीक है और ये आलसी इंसान मैंने रीज़न बताया रीज़न एवरीबॉडी हैव एक्सक्यूजेस बट यू डिसअपॉइंटेड मी फिर कब आएंगे हाँ.
और पूरी फैमिली को लेके आना। हाँ आपको अच्छा तो लगा ना इधर? बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा मजा आ गया। हाँ भाई, एक तो झूला झूला, ऊपर से घर घर, ऊपर से गुजराती खाना खाना, सोनगढ़ की गाड़ी। वाह, वो सबसे मेन टॉपिक टार्जन टार्जन टार्जन। हां वो टार्जन आएंगी तो उसका भी व्लॉग आएगा, मैं बना के बाबा जी को भेज दूंगा। टार्जन आ गई, कमिंग सून जल्दी आने वाली है। आज मैं बहुत मिस करूंगा, आज मैं रात को सोऊंगा अकेले, और आज किक मारने वाला मेरे को नहीं, मेरे को याद आएगा कि यार आज तो है ही नहीं वो आज आएगा। रोज सुबह उठना, एडिटिंग करना, जैसे ही रूम का दरवाजा खोला लैपटॉप लेके एडिट करना, व्लॉग बनाना, घूमने जाना, सब मिस होगा अभी। और मैं मिस करूंगा कि मुझे हर रोज उठ के तू व्लॉग नहीं बना रहा, आज व्लॉग नहीं बना रहा, ये बोलने वाला नहीं रहेगा यार। वो बोलने वाला रहता था ना, मतलब कि हाँ कि आज है, मतलब कोई ध्यान दे रहा है मेरे पे भी, ऐसा ऐसा, मतलब मजा आ गया। आंटी जी आप हम बहुत मिस करेंगे आपको। क्या मिस करोगे? गुजराती बाबा जी आए थे हमारे साथ, वक्त निकाला, अच्छा लगा तुम्हारे साथ, खाना अच्छा अच्छा खिलाया। फिर डेली पूछते थे कि क्या बनाएंगे बाबा जी, क्या खाएंगे। बढ़िया, सबसे अच्छा आम याद आएंगे, खाएंगे तो तुम्हारी याद आएंगे, आमरस आमरस याद आएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं। पापा भी हड़ा हड़ा बोल रहे हैं, नहीं रहने दो, कोई नहीं, मिलते हैं। मैं याद रखूंगा आपसे, वेट कर वेट कर, जरा लोग चाहते हैं। ये सर आए हैं मिलने हमसे, ठीक है, और ऑफिस में बोल के आए हैं, मुझे बहुत अच्छे इंसान से मिलना है, मुझे जानते हो। अच्छे से ही बन रही है, ऑफिस में बोल के आए हैं, मुझे बहुत अच्छे इंसान से मिलना है, मुझे जाने दो। ये भाई मिला है प्लेटफॉर्म पे यहाँ ट्रेन पे, और इसने अभी तक 150 फोटो खींच लिए हैं, अभी भी देख ही रहा है और क्या बच गया, कौन से एंगल से फोटो बच गई। हाँ कितनी फोटो खींचने का टैग किया था, क्या था? हाँ हाँ देखा था मैंने, अपनी आईडी में उन्होंने मेरी फोटो अपलोड कर रखी है। तो ऐसा कितने फोटो का प्लान करके आए हो सर? बहुत सारा। अभी 1000 फोटो का प्लान करके आए। 1000 फोटो, ब्लॉग हो गया, रील हो गई, फोटो हो गई, अब ऐसी वाली फोटो और खींचेंगे। चलो मैं चला। यार इंसान घर में, अभी मम्मी का फोन आया, कह रहा 4 मिनट में आ रहा हूँ, बताओ सर आपके साथ। और कह रहा 2 घंटे रुक जाऊंगा सर मैं आपके साथ, दोबारा टाइम थोड़ी मिलेगा। आज ही कर लेते हैं जो करना है। मुश्किल से मिले आप, 4 साल बाद मिले। ऐसा कर रहा है, गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप के बाद मिली हो सर आप, 4 साल बाद मिले हो सर, आज तो आपको नहीं छोड़ूंगा सर। बंदा बोल रहा है आमिर खान का फेस देखने से इसका दिन अच्छा जाता है, मेरा क्यों नहीं लगाया? दो दिन बाद लगाया। मेरा क्यों नहीं लगाया? आपका भी लगाया था, फिर अच्छा दिन नहीं जा रहा, तो फिर हटा दिया। नहीं, अच्छा दिन था। अच्छा दिन नहीं जा रहा था ना? नहीं, अच्छा दिन जा रहा था भैया, फिर हटाया क्यों? मैं सोचा कि चेंज करते। बंदे ने क्या किया, मेरी वीडियो इंस्टाग्राम से निकाल के यूट्यूब पे डाल दी, मैंने उसको डिलीट भी कर दी। अच्छा, आपको बाद में बुरा ना लगे। अच्छा अच्छा, 5000 सब्सक्राइबर एक दिन में मेरे बड़े हैं, मेरे जितने भी गांव वाले हैं ना लड़के, आपके फैन हैं। ये अब बताओ, मेरी शक्ल देख के दिन बन रहा है कि मेरी बीवी की शक्ल देख के दिन बन रहा है? ये आपकी शक्ल है, आपकी और भाभी के साथ में देखूंगा ना तो दिन भी अच्छा जाएगा। अच्छा, ये सारिका के गांव से है, सुल्तानपुर से, और सुल्तानपुर के अभी बहुत किस्से सुनने वाले हैं हम थोड़ी देर में। कुछ लोगों को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, और कुछ हमारी तरह उम्र भर सफर में रहे।